के जहांगीराबाद में रघुवर दयाल प्रभु दयाल ग्रुप के कन्या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वरोरा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे विधायक संजय शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माननीय विधायक जी का स्वागत के लिए हम अपने कहते हैं कि वे माल्यार्पण कर विधायक जी का स्वागत करें। कॉलेज प्रबंधक प्रीत गर्ग, निदेशक शरद अग्रवाल व संतोष गर्ग, प्रदीप गर्ग, कुलदीप गर्ग आदि प्रबंधक समिति में मुख्य अतिथि रहे संजय शर्मा का माला व पट्टा पहनाकर स्वागत। इस अवसर पर विधायक संजय शर्मा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, मौजूदा सरकार अपने वायदों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। वो दो घर में उजाला करती है, वो जब तक अपने माता पिता के घर में उड़ती है तो वहां एक पढ़ी लिखी बेटी एक अलग खुशबू फैलाती है। आप घर में पहुंची, जिस घर में पढ़ी लिखी बेटी होगी, समझदार होगी, जागरूक होगी, उस घर में आपको घुसते ही एक अलग खुशबू आएगा। वो अपने भाइयों की चिंता करती है, माता पिता की चिंता करती है, और जब शादी हो जाती है और वही बेटी शक्तिशाली बन करके दूसरे घर में जाती है तो दूसरे घर की ताकत बनती है, ना कि वहां जाकर बोझ बनती है। और वो बेटी वहां जाकर उसकी सास उससे लड़ती नहीं है, उससे खुश रहती है और उसके माता पिता को दुआएं देती है कि हमारी घर में लक्ष्मी है। इसीलिए पहला कदम, अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप मोदी जी योगी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर देश की इस विकास यात्रा का हिस्सा, सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। शिक्षित बेटी ही इस देश का भविष्य है। शिक्षित बेटी होगी तो आने वाली तो पीढ़ी अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। किसी को, किसी सरकार को, किसी मुख्यमंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को स्कूल चलो अभियान नहीं चलाना पड़ेगा। कार्यक्रम में विधायक संजय शर्मा ने RDPG ग्रुप के कन्या PG कॉलेज में 551 छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया। वही ग्रुप के रोरा स्थित PG शाखा पर 460 स्मार्टफोन का वितरण किया गया। सरकारी योजना में मिले स्मार्टफोन को पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त किया। उधर कॉलेज प्रबंधक ग्रीस गर्ग ने कहा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की योजना के अंतर्गत अभी स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोनों का वितरण किया गया है। थोड़ी ग्रुप और बना लेंगे। ये आप अंचा बताओ।
ग्रेजुएट के छात्र और छात्राएं हैं डिग्री कॉलेजेस के, उन सभी को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। कुछ स्मार्टफोन उन्होंने चुनाव से पहले वितरित किए थे, लेकिन क्योंकि समय का अभाव था तो जहां बाकी रह गए थे उन सब स्थानों पर अब स्मार्टफोन का वितरण हो रहा है। सरकार की इच्छा है कि जो डिजिटल इंडिया का मोदी जी का सपना है वो ज़मीन पर उतरे, और ज़मीन पर तब उतरेगा जब हमारी आने वाली पीढ़ी डिजिटली बहुत लिटरेट हो, इसको सारी तकनीकें सारी चीज़ें पता होंगी। आज सब कुछ सारी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन होती है, कोरोना के बाद क्लासेस बहुत सारी ऑनलाइन हुई हैं और ज्ञान का संचार आज ऑनलाइन हो रहा है। तो मुझे लगता है जो कदम है हमारी सरकार का, इससे हमारे छात्रों को छात्राओं को बहुत इससे लाभ मिलेगा और जो सब लेकर के डिजिटल इंडिया के सपने को और अच्छे से साकार करने की तरफ बढ़ेंगे। कितने छात्र छात्राओं को लगभग कितना मिला है? हमने आज इस विद्यालय में जहाँ पर हैं उसमें 511 छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए, छात्रों छात्राओं को।